तो अभी हम लोग चालू करते हैं अपना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का PYQ करना, प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स इन प्लांट्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फीचर कौन नहीं है? ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स ATP, करेक्ट है। अकर्स अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, करेक्ट है। नॉन सिलेक्टिव एंड अकर्स थ्रू मेम्ब्रेन्स। देखो अकर्स थ्रू मेम्ब्रेन्स ये करेक्ट है, बट इट इज सिलेक्टिव इन नेचर, तो नॉन सिलेक्टिव ये गलत हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पे इसका। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज, मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स मोर रैपिडली देन पैसिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव इज नॉन सिलेक्टिव वेयर एज एक्टिव इज सिलेक्टिव। हाँ ये हो सकता है। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्स अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स द एनर्जी, रिक्वायर्स द एनर्जी टू मूव सॉल्यूट्स, ये भी हो सकता है। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू एनायनिक कैरियर प्रोटीन वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैटायनिक, ये तो गलत है। एनायनिक कैटायनिक ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, इसमें रैपिडली होता है, ये नॉन सिलेक्टिव है पैसिव, ये सिलेक्टिव है, ये हो सकता है। बट पैसिव आयंस रिक्वायर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, हाँ ये पार्ट ठीक है। वेर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स मोर सॉल्यूट एनर्जी टू मूव द सॉल्यूट्स, सबसे अप्रोप्रिएट इसमें ये आ जाएगा, क्योंकि देखो पैसिव इज नॉन सिलेक्टिव वेर एज एक्टिव इज सिलेक्टिव, ये तो ठीक है। बट सिर्फ एक्टिव इज सिलेक्टिव नहीं है, आपके पास फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट वो भी सिलेक्टिव है, तो ये तो मेन डिफरेंस हुआ ही नहीं ना, तो एकदम डिफरेंस मेन डिफरेंस पूछा ना इन लोगों ने, ये करेक्ट लग रहा था, पर करेक्ट है ये पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि उसने मेन डिफरेंस पूछा है। तो अगर आपको कोई भी दो ट्रांसपोर्ट देते उसमें डिस्टिंग्विश करना है, तो एक ऐसा डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि वो उन दोनों के बीच में प्रेजेंट हो डिफरेंस। तो अगर फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट अगर देखें हम लोग, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट वो भी सिलेक्टिव इन नेचर है, ओके वो भी सिलेक्टिव इन नेचर है, तो उस केस में तो डिफरेंस मेन डिफरेंस और डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंस हुआ नहीं, तो यही हो गया, क्योंकि फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट को एनर्जी नहीं चाहिए रहती है, तो ये अलग हो गया, मतलब ये डिस्टिंग्विशिंग मेन हो गया, सेकेंड का बी हो गया। हाउ सॉरी विच आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट प्रिटेन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। ओके, हाईली सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट हम लोग क्या बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग अपहिल बोलते हैं, सैचुरेशन होता है इसमें, हाईली सिलेक्टिव है, रिक्वायर्स रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाँ उसकी वजह से तो होगा। मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ प्रीवेलिंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज नॉन एज, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करना, उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब जो ग्रेडियंट बना है पॉजिटिव नेगेटिव का, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो उस ग्रेडियंट को हम लोग, उस चीज़ को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ओके, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिफर्स इन, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस पूछा है वापस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नॉन सिलेक्टिव, एक्टिव इज नॉन सिलेक्टिव, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अलॉन्ग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू मेटाबॉलिक एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मोर रैपिड, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू एनायनिक। देखो सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस के साथ भी यहाँ पे आया था 2019 में और ये 1983 में, देखो है कि नहीं सही, तो फिफ्थ का आ जाएगा बी, तो इसीलिए PYQ करके जा भैया। एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट्स टू इन अ गिवन सॉल्यूशन विल, सॉल्यूट आप डाल रहे हो तो क्या होगा, लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल, मेक इट्स वाटर पोटेंशियल जीरो, नॉट अफेक्ट इज वाटर पोटेंशियल एट ऑल, रेजेस इट वाटर पोटेंशियल। देखो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इज सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ओके, वाटर पोटेंशियल इज सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस आपका प्रेशर पोटेंशियल, तो एडिशन ऑफ वाटर, और वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर होगा वाटर पोटेंशियल, तो इसमें अगर आप मोर सॉल्यूट डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, तो इट्स लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट बढ़ जाएगा। आपको इस फॉर्मूले से भले ही दिखे कि वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट और ये प्रेशर के बराबर है, सॉल्यूट डाल रहे हो सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, वाटर बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर आप मोर सॉल्यूट डालोगे तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी मूव करने की, वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, जीरो तो नहीं बनाएगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जीरो किसका रहता है, प्योर सॉल्वेंट का, वाटर पोटेंशियल इज जीरो फॉर प्योर वाटर, एकदम वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए जीरो रहेगा, उसमें कुछ भी सॉल्यूट नहीं रहेगा तो। ओके, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब हाइपो मतलब लेस कंसेंट्रेशन, बाहर लेस कंसेंट्रेशन है पानी ज्यादा है, सॉल्यूट कम है पानी ज्यादा है, तो पानी अंदर आ जाएगा। वाटर विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, वाटर विल फ्लो इन टू द सेल, तो मेन हो जाएगा वाटर विल फ्लो इन टू द सेल। ओके,
वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, देखो आ गया, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो, अभी ऊपर बताया था. विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रीसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टोमेटल मूवमेंट्स? मोस्ट वैलिड एंड रीसेंट मतलब जो हमारा गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस, स्टार्च हाइड्रोलिसिस, ट्रांसपिरेशन या ये स्टोमेटल पोटेशियम इन्फ्लक्स एंड एफ्लक्स, ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है. अगर आपने पढ़ा रहेगा तो, नहीं पढ़ा रहेगा तो, क्योंकि एनसीईआरटी वाला तो है नहीं, क्योंकि जिसको पता रहेगा वो कर लेगा. क्योंकि स्टोमेटल ओपनिंग ड्यू टू कैल्शियम पोटेशियम आयन आता है, पोटेशियम के अंदर जाने से कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है उसके अंदर, इसलिए पानी चला जाता है, पानी चलने के गार्ड सेल फूल जाते हैं, फूलने की वजह से वो क्लोज हो जाता है. फिर अगर पोटेशियम बाहर आ गया, पोटेशियम वो सॉल्ट एक रहता है पोटेशियम का, ओके, अगर वो बाहर आ गया तो पानी वापस बाहर आ जाएगा, वो फिर टर्ज फ्लैसिड हो जाएंगे फिर वैसा. तो ये पोटेशियम के आयन्स की वजह से होता है. टू सेल्स ए एंड बी आर कंटिजियस. ए हैज़ अ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10, टर्गर प्रेशर 7 एंड क्या डिफ्यूजन प्रेशर डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट इज 3 ATM. सेल बी हैज़ 8, टर्गर प्रेशर 3 एंड प्रेशर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट इज 5 ATM. द रिजल्टेंट विल बी, देखो इसमें बहुत आसान करके दिया है कि आपको डीपीडी दे दिया है. अगर आपको पता है कि वाटर मूव्स फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लो डीपीडी से हाई डीपीडी जाता है वाटर, तो आप बता सकते हो लो डीपीडी है 3, हाई डीपीडी है 5, तो वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी. अगर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तब होता जब आपको डीपीडी फाइंड करने लगा रहता, डीपीडी फाइंड करने लगा था, तो डीपीडी का फॉर्मूला क्या रहता है, डीपीडी इज ओपी माइनस टीपी, तभी आपको निकालना पड़ता था ऑस्मोटिक माइनस टर्गर. देखो ऑस्मोटिक 10 माइनस 7 इज 3 और यहाँ पे 8 माइनस 3 इज 5, तो ओपी माइनस टीपी. अगर ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेवल का करा है तो आपको निकालने बोलता था डीपीडी, फिर पूछता था, पर इसने दे ही दिया तो लो डीपीडी से हाई डीपीडी, खाली इतना कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में. वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर डेवलप्स. अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मूव कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर डेवलप्स. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, जिधर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आएगा तो ऑस्मोसिस आपके दिमाग में आना चाहिए. नेक्स्ट इज वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्टिवली अब्सॉर्बिंग सेल इज, एक्टिवली अब्सॉर्बिंग सेल, वाटर पोटेंशियल एक्टिवली अब्सॉर्बिंग सेल का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. वाटर पोटेंशियल ऑफ एन एक्टिवली अब्सॉर्बिंग सेल पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, माइनस वन. देखो वाटर पोटेंशियल क्या बताता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर. अगर कोई सेल एक्टिवली वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर कोई सेल एक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब उसके अंदर क्या काइनेटिक एनर्जी कम है क्या. और हमें पता है वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल अगर बात करें, हाई के ई से लो के ई की तरफ जाएगा वाटर. तो जब भी वो ये कर रहा है मतलब कोई भी सेल, अगर ये सेल अंदर पानी ले रहा है मतलब इसके अंदर जो के ई है वो कम होना चाहिए, मतलब वाटर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो वाटर पोटेंशियल कब क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. ओके मैक्सिमम, देखो वाटर पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू कैन बी जीरो, जीरो से फिर जो भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज जीरो एंड इट इज फॉर प्योर वाटर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर, वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर. वाटर पोटेंशियल क्या है, जीरो, 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 और ये तो हो ही नहीं सकता. फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर में कोई सोल्यूट है क्या, सोल्यूट नहीं तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे लगेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी. आप सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हो केमिस्ट्री के और इधर भी पढ़ते हो, तो दोनों भी जीरो हो जाएगा, 13th का ए आ जाएगा. इफ अ सेल हैज डीपीडी ऑफ 4 बार्स इज कनेक्टेड टू अ सेल विद बी सी डी विद ओपी टीपी ऑफ रिस्पेक्टिव. देखो ये क्वेश्चन अभी अच्छा हो गया क्योंकि आपको इसमें ओपी टीपी निकालने बोल दिया, इसने ओपी टीपी दिया है और डीपीडी सबका निकालना पड़ेगा. तो ए का डीपीडी दिया है इन लोगों ने, ए का डीपीडी कितना है, ए डीपीडी इज आपका 4 बार्स. ओके इज कनेक्टेड टू बी सी डी, बी का कितना दिया है, बी का डीपीडी होगा ओपी माइनस टीपी. ओपी कितना दिया है बी के लिए, ओपी इज 4 10, 4 माइनस 10. द ओपी एंड टीपी आर रिस्पेक्टिवली, सॉरी सॉरी इधर 4 है, 4 4, इसके लिए 4 और 4 है तो इसका डीपीडी 0. फिर सी के लिए 10 माइनस 5, इसका आ जाएगा 5, और डी वाले सेल के लिए हो जाएगा एंड 7 और 3, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. तो बी का 0,
सी का 0 और सी का 5, बी का 4 और इसका 4। देखो तो वाटर किधर से मूव, तो फ्लो ऑफ वाटर विल बी लो डीपीडी से हाई डीपीडी जाना है। लोएस्ट डीपीडी किसका है? बी का, तो बी से ही वाटर सब जगह जाएगा। लो डीपीडी किसका है? बी का, तो बी में, बी से सब में जाएगा। देखो इसमें वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, बी से जाए ए के पास, डी के पास या सी के पास हो सकता है। अभी ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, बट हम लोग लिख ले रहे हैं। देखो ए और डी में सेम वाटर, सेम डीपीडी है, तो इसमें आपस में फ्लो नहीं होगा। बट डी से जा सकता है सी के पास या ए से जा सकता है सी के पास, फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। अभी देखो क्या क्या दिया है, ए से डी जा सकता है क्या? नहीं, ए से डी जा नहीं सकता क्योंकि दोनों का डीपीडी सेम है, तो फ्लो ही नहीं होगा। ए से भी जा सकता है क्या? ये रिवर्स पॉसिबल है क्या? नहीं, रिवर्स पॉसिबल नहीं है, तो ये भी जाएगा। सी से ए, सी से ए जा सकता है? सी से ए नहीं, ये हाई डीपीडी है, वो लो डीपीडी है, ये भी नहीं जा सकता। बी टू ए जा सकता है? हाँ, बी टू ए जा सकता है। फिर सी टू डी जा सकता है क्या? सी टू डी, द फ्लो ऑफ वाटर विल बी, सी टू डी जा सकता है? सी टू डी कैसे जाएगा? सी से डी, हाई से लो। तुमने कुछ गलत निकाला क्या इसमें? 4 and 4, 10 minus 5 5, 7 minus 3 4, वाटर विल फ्लो। अच्छा, सॉरी, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ये हाँ ये ऑप्शन में क्या दिया है, इसमें दो अलग अलग नहीं, बी से ए, बी से ए, बी से सी और बी से डी, हाँ ये जाएगा। अच्छा, ऑप्शन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि इन लोग ने ए से डी, ए से बी, ए से सी दिया। ओके ओके, समझा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विथ इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ द सेल सराउंडेड बाय वाटर द वॉल प्रेशर विल, टर्जिडिटी जैसे इंक्रीज होता है वॉल प्रेशर वैसे ही इंक्रीज होगा आपका। वाटर पोटेंशियल इन अ लीफ टिश्यू इज पॉजिटिव ड्यूरिंग, वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव कब होगा इन लीफ? एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन, लो ट्रांसपीरेशन, एक्सेसिव अब्सॉर्प्शन, गटेशन। कब जाके आपका ये हो जाएगा? जब ही आपका, देखो लीफ है, लीफ में स्टोमेटा रहेंगे, स्टोमेटा से वाटर जा रहा है, तो जितना आ रहा है इधर से जा रहा है तो कुछ होगा नहीं। अगर ट्रांसपीरेशन थोड़ा बंद हो गया तो वाटर का ज़्यादा इधर, वाटर ज़्यादा हो जाएगा इधर लीफ में, तभी जाके आपका हो जाएगा वाटर पोटेंशियल ज़्यादा। तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा कब होगा? लो ट्रांसपीरेशन के केस में। अ बॉटल फिल विथ प्रीवियसली मॉइस्चर्ड मस्टर्ड सीड्स एंड वाटर हैज़ स्क्रू कैप्ड टाइटली एंड कैप्ड इन अ कॉर्नर। प्रीवियसली मॉइस्चर्ड मस्टर्ड सीड, वाटर डाल दिया उसमें थोड़ा सा और उसको टाइट करके रख दिया। इट ब्लू अप सडनली आफ्टर अबाउट एन आवर, द फिनोमिना इज नोन एज, मतलब इट ब्लू अप आफ्टर 1 आवर, एक घंटे बाद वो फट गया। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इम्बाइबिशन। बाकी कोई भी रिलेटेड ही नहीं है। इम्बिबिशन मतलब क्या है? जो सीड्स है, ओके, सीड्स है, वो क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करेंगे वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करने में उनके अंदर थोड़ा प्रेशर होगा क्योंकि पहले ड्राई थे, वाटर चले गया, इतने छोटे में वाटर भी आएगा, तो उस प्रेशर के कारण ये फट जाएगा, तो इसको बोलते हैं इम्बिबिशन प्रेशर। उसके कारण ये फट के फिर जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन। वाटर पोटेंशियल इज सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया इन लोग ने, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। देखो स्टेटमेंट आ गया, मतलब 2022 क्या बोला था मैंने, द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डज नॉट, इट डज इन्वॉल्व, क्योंकि ये बाद में जाके कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाएगा तो अंदर आना ही पड़ेगा। द मूवमेंट इज एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, कैसे? क्योंकि आप डेड सेल वॉल में चल रहे हो तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कैसे आ जाएगा आप में? एपोप्लास्टिक इज कंटिन्यूअस, डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट। एपोप्लास्ट कंटिन्यूअस डज नॉट, मतलब जनरली नहीं होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एंड, ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया यहाँ पे। मैच 1 and match 2, लिस्ट 1 with list 2, कोहेजन, एडेशन, सर्फेस टेंशन, गटेशन। सबसे पहले देखो कोहेजन और अडेशन, अडेशन मतलब क्या? अडेशन मतलब अधेसिव टेप। अधेसिव टेप क्या काम करता है? दो अलग अलग चीज़ों को चिपकाना। तो मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोर वाटर लॉस, अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। देखो अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस वुड बी अडेशन, आपस में जो अट्रैक्शन रहेगा वाटर मॉलिक्यूल वो होगा कोहेजन। सरफेस टेंशन इज मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड, गटेशन इज वाटर लिक्विड वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। ओके, तो अभी मैच करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ऑप्शंस ए का आ जाएगा 2, ए का आ जाएगा 2, ओके, फिर बी का आ जाएगा 4, सी का आ जाएगा 1, डी का आ जाएगा 3,
तो ऑप्शन नंबर 20 का बी करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग आयन ऑफ वाटर सॉरी लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड्स एट द नाइट एंड इन द अर्ली मॉर्निंग इज। नाइट और अर्ली मॉर्निंग में जो बोला है, देखो नॉर्मली इसका आंसर होना चाहिए ट्रांसपिरेशन, बट इन लोगों ने नाइट और अर्ली मॉर्निंग बोला है। नाइट और अर्ली मॉर्निंग में ट्रांसपिरेशन का रेट लो रहता है, तो उसका कारण कौन है? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन लो होने के कारण रूट प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए टिप्स में से ये निकलता है। ओके, जाइलम ट्रांसलोकेट्स वाटर, वाटर एंड मिनरल, वाटर मिनरल सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, वाटर मिनरल सॉल्ट एंड सम नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? सभी के सभी ट्रांसपोर्ट करता है, सिर्फ वाटर नहीं करता है, बाकी इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हॉर्मोन्स सब रहते हैं। अ कॉलम ऑफ वाटर विथ जाइलम वेसल ऑफ टॉल ट्री डज नॉट ब्रेक अंडर द वेट बिकॉज ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर, लिग्निफिकेशन ऑफ जाइलम वेसल, पॉजिटिव रूट प्रेशर, डिजोल्व सॉलिड वाटर। ये इतना बड़ा कॉलम अपने वेट के अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ है वाटर का, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैपिलैरिटी, इसकी वजह से वो वाटर चढ़ता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण वो टूटता नहीं है वाटर कॉलम। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, नहीं इंक्रीज नहीं डिक्रीज इन ट्रांसपिर, पैसिव अब्जॉर्प्शन, एक्टिव अब्जॉर्प्शन, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सॉइल। तो थर्ड ऑप्शन तो नहीं आएगा, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव अब्जॉर्प्शन। एक्टिव अब्जॉर्प्शन के कारण मतलब रूट तो पानी ले रहा है बट ट्रांसपिरेशन से पानी जा नहीं रहा है, तो इसी वजह से रूट प्रेशर डेवलप हो जाता है। रूट प्लेज अ इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स ऑफ, मतलब कौन से प्लांट में जो रूट्स है जो वाटर एब्जॉर्ब का काम नहीं करते मेन काम, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका पिस्टिया, पिस्टिया इकॉर्निया, पिस्टिया और इकॉर्निया नाम सुना ही रहेगा, तो वो वाटर में ही है। उनका क्या रहता है रूट्स ऐसा, वो वाटर में रहते हैं, उनका काम इतना वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं है, उनका काम खाली है इधर से बढ़ के इधर जाना, फिर इधर एक ऑफसेट, ऑफसेट बोलते हैं उसको, तो वो वेजिटेशन का काम रहता है इनका, तो इनसिग्निफिकेंट रोल इसमें आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इज गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर की वजह से होता है। रप्चर एंड फ्रैक्शनेशन डज डू नॉट अकर यूजुअली इन द वाटर कॉलम ऑफ वेसल्स ऑफ ट्रेकेज ड्यू टू, अभी पढ़ा था हम लोग ने ना कि वो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण, अभी इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं दिया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं दिया तो वाटर का नेक्स्ट क्वालिटी क्या है जिसकी वजह से वो होता है? कोहेजन एंड रेडिएशन। द एबिलिटी ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप, नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप टू कैप्चर इंसेक्ट इज ड्यू टू स्पेशलाइज मसल सेल्स, नहीं केमिकल स्टिमुलेशन ऑफ प्रे, पैसिव प्रोसेस रिक्वायरिंग नो स्पेशल एबिलिटी ऑफ द पार्ट, रिजिड टर्गर प्रेशर चेंज। ये आउट ऑफ सिलेबस है हमारा, फिर भी रिजिड टर्गर प्रेशर चेंज की वजह से होता है, फटाक से बंद हो जाता है ना वो। मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट्स मूव, मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट्स मूव टू लीफ थ्रू, लीफ में जाता कैसे है मिनरल्स? थ्रू जाइलम। ओके और क्या हो सकता है इसमें? जाइलम के इसे ही जाएगा ना। ओके नेक्स्ट, इन सॉइल, इन द सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन इज, इन सॉइल द वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन इज ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, कंबाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक। ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसका अच्छा आंसर है आपका कैपिलरी वाटर। द क्लोजर ऑफ लिड ऑफ पिचर इन अ पिचर प्लांट इज ड्यू टू टर्गर मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट, ट्रोपिक, पेट्रोनिक, अल्ट्रोनिक। ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसका आंसर है पैराटोनिक, बट ठीक है। माइकोराइजा इज सिम्बैटिक रिलेशनशिप बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंगाई, रूट ऑफ हायर प्लांट और फंगाई का एसोसिएशन है। वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल इज ड्यू टू, वाटर मूवमेंट इन सेल इज ड्यू टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, डीपीडी एंड इंसिपेंट प्लाज्मोलिसिस। इट इज ड्यू टू डीपीडी, डीपीडी की वजह से ही होता है। गटेशन इज मेनली ड्यू टू, गटेशन इज मेनली ड्यू टू रूट प्रेशर। फिर द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म इज, जाइलम वेसल, सीव, सीव सेल्स नहीं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं, जाइलम फ्लोएम नहीं, सीव जाइलम वेसल सिस्टम। ओके नेक्स्ट आ जाएगा ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे ग्रास लीफ कर्ल्स इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलीवॉर्म सेल, श्रिंकेज ऑफ एयर पैसेज इन स्पंजी, स्पंजी मीजोफिल और टाइलोस इन वेसल्स। देखो इसका कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो अलग ही पार्ट का, ये हार्डवुड का पार्ट है, इसका कुछ है नहीं। फिर मीजोफिल लेयर, देखो ग्रास क्या है, एक मोनोकॉट है, तो इसमें मीजोफिल डिफरेंशिएट रहेगा क्या? नहीं, स्पॉन्जी तो स्पॉन्जी मीजोफिल आएगा कैसे? तो ये भी गया। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा की वजह से नहीं होता, इट इज ड्यू टू द फ्लैसिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल। तो 36 का हो गया बी। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, CO2 कंसेंट्रेशन, लाइट एंड O2। हाँ
O2 कंसेंट्रेशन का सिग्निफिकेंस बहुत कम रहता है इसके केस में. जैसे हम लोग ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में पढ़ा था, O2 के वजह से हमारे इसमें कुछ सिग्निफिकेंस चेंज नहीं आता है, O2 ज़्यादा हो या कम हो. बट CO2 टेम्परेचर और pH के वजह से हमारे इसमें चेंज आता है, तो डायरेक्टली मेडुला पॉन्स में जाके मैसेज पहुंचता है कि CO2 बढ़ गया, रेस्पिरेशन बढ़ाओ. सेम इन केस ऑफ दिस ऑल्सो, O2 कंसेंट्रेशन इज नेग्लिजिबल, हमारे में जैसा था उनके भी वैसा ही. द स्टोमेटा इन ग्रास लीफ, ग्रास इज अ मोनोकॉट, मोनोकॉट में क्या आएगा, डबल डंबल, ओके डबल डंबल शेप आएगा, या तो डंबल शेप बोल दो, कुछ भी हो जाएगा. ओके, वाटर वेपर कम्स आउट ऑफ द फॉलो वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द फॉलोइंग लीफ द स्टोमेटल ओपनिंग थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. द रीजन ऑफ द अबव यूजिंग द फॉलोइंग इज द बोथ प्रोसेसेस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, बोथ प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ वाटर एंड CO2 इज डिफरेंस. अबव प्रोसेस हैपन्स ओनली इन नाइट टाइम, द प्रोसेस ओकर्स ओनली इन डे टाइम. देखो CO2 अंदर जाता है, O2 क्या बोला है, वाटर ना, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स बाहर आते हैं, CO2 अंदर जाता है. ये कभी हो सकता है, ये डे टाइम नाइट टाइम में तो ठीक है, ये सब तो इतना वैलिड रीजन नहीं है. बोथ द प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज डिफ्यूजन प्रेशर पे गिर, ये अच्छा आंसर है इसका. ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर, ट्रांसपीरेशन रूट प्रेशर कैन कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय ट्रांसपीरेशन रूट प्रेशर. तो ट्रांसपीरेशन करता है पुलिंग, पुलिंग आएगा तो पुशिंग, पुशिंग पुशिंग दिया है, और ये आता है पुशिंग, क्योंकि ये ऊपर से खींच रहा है या रूट प्रेशर नीचे से भेज रहा है, तो 40 का आ जाएगा ए. ओके, गार्ड सेल्फ हेल्प इन, गार्ड सेल हेल्प इन ट्रांसपीरेशन गटेशन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग. ये तो हो ही नहीं सकता, गटेशन गार्ड सेल से नहीं होता, मतलब स्टोमेटा से नहीं होता है, गार्ड सेल स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग करता है, तो ट्रांसपीरेशन में मदद होता है. पोटोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पोटोमीटर अभी हमारे पास है नहीं इसमें. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इक्वल टू अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर काम करता है, बट ठीक है आपको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है. स्टोमेटा ऑफ प्लांट ओपन्स ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम पोटेशियम एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम इन हाइड्रोजन. तो ये अभी हम लोग ने बोला था मॉडर्न थियरी ये वाला है, कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से होता है. स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोज ड्यू टू सिंसाइडियन रिदम जेनेटिक क्लॉक प्रेशर ऑफ टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल, गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर की वजह से चेंज होता है, बंद या चालू होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज फाउंड टू हैव अ मिनिमम ट्रांसपीरेशन, मिनिमम ट्रांसपीरेशन किस में देखने मिलेगा आपको, ऐसे चीजों में जो जो कि पानी में है, तो मिनिमम ट्रांसपीरेशन आपको देखने मिलेगा 45 का नेरियम लोटस, उस केस में मिनिमम ट्रांसपीरेशन देखने मिलेगा. ओके वेट अ मिनट, नेरियम लोटस नहीं है, एग्जांपल रॉन्ग है, आंसर सही है, नेरियम लोटस नहीं है. ओके, प्लांट डाई फ्रॉम द प्रोलॉन्ग्ड वाटर लॉगिंग बिकॉज सॉइल न्यूट्रिएंट बिकम्स वेरी डाइल्यूट, रूट प्रेशर स्टॉप्स, सेल सैप इन द प्लांट बिकम्स टू डाइल्यूट, न्यूट्रिएंट लीच डाउन टू द एक्सेस ऑफ वाटर ड्यू टू द एक्सेस ऑफ वाटर. इसका बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल है रूट प्रेशर, रूट रेस्पिरेशन स्टॉप्स, क्योंकि ज़्यादा पानी आने के कारण लॉगिंग हो जाता है उसमें, तो इसलिए डाई हो जाता है वो प्लांट. एंड एडाप्टेशन फॉर बेटर गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट इज हेयर्स ऑन लोअर सर्फेस, मल्टीपल एपिडर्मिस, वैक्सी क्यूटिकल, स्टोमेटा ऑन लोअर सर्फेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सन रेस. द हाँ, बेस्ट गैशियस एक्सचेंज का मेथड यही है, क्योंकि अगर आपको गैस एक्सचेंज करना है तो आपको कुछ ओपनिंग चाहिए, अगर आपने ओपनिंग ऊपर रख दिया तो आपका ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए लोअर सर्फेस रहेगा तो अच्छा है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पोटोमीटर. ओके, इन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेरिस्ट्रियल में वाटर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपीरेशन, थर्मोपीरियडिज्म, ट्रांसलोकेशन. ड्यू टू ट्रांसपीरेशन होना चाहिए. ओके, क्योंकि इधर से वाटर वेपर जाएगा, क्लाउड्स बनेगा, फिर आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है. कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोमेटल एक्टिविटी, स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल क्लोजिंग, स्टोमेटल फॉर्मेशन. ये हो जाएगा स्टोमेटल ओपनिंग के लिए. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन विल बी हायर एट, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन विल बी हायर एट. ट्रांसपीरेशन कहाँ हाई होगा, जो एकदम ऊपर होगा आई थिंक सो सी लेवल से, तो उसके ऊपर ही होगा. ये बिलो में जाएंगे तो सी के अंदर घुस गए तो उधर ट्रांसपीरेशन कम होगा, सी लेवल पे मतलब सी के उधर ही नहीं होगा, ऊपर होगा मतलब सी लेवल से ऊपर होने का कारण मतलब थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस केस में. ओके, इन गार्ड सेल व्हेन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च द स्टोमेटल पोर ओपन्स, शुगर इज कन्वर्टेड टू स्टार्च इट ओपन्स
तो 52 का आ जाएगा सी। वेट अ मिनट, अभी हम लोग ने ऊपर क्या पढ़ा, स्टार्च टू एसिड। स्टार्च अगर एसिड बनता है तो क्या बनेगा हमारे, क्लोज ओपन हो जाएगा। तो अगर कन्वर्टेड टू स्टार्च तो क्लोज हो जाएगा ना, उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी फॉर एसेंट ऑफ सैप इज, एसेंट ऑफ सैप के लिए पल्सेटिंग एक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू, ट्रांसपिरेशन एंड कोहेजन थियोरी, ट्रांसपिरेशन एंड कोहेजन थियोरी, ट्रांसपिरेशन पुलिया वाला ऑफ डिक्सन एंड जॉली। ओके, ट्रांसपिरेशन इज लीस्ट इन, ट्रांसपिरेशन लीस्ट इन गुड क्वालिटी मॉइस्चर, हाई विंड वेलोसिटी, ड्राई एनवायरमेंट, हाई एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अगर ट्रांसपिरेशन लीस्ट करना है तो हाई एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी बाहर, अगर देखो ट्रांसपिरेशन क्यों होता है, क्योंकि लीफ में पानी ज़्यादा है एटमोसफियर के कंपेरिजन, अगर बाहर मॉइस्चर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। हाई विंड वेलोसिटी में ज़्यादा होता है, ड्राई एनवायरमेंट में भी ज़्यादा होता है। ओके, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट पी एम ए रिजल्ट इन रेड्यूस्ड ट्रांसपिरेशन, इट इज इट रेड्यूस ट्रांसपिरेशन, डिक्रीज कर देता है। एब्सिसिक एसिड भी ट्रांसपिरेशन, इनको एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम, बाई डायरेक्शनल है। ओके, नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली फाउंड एज स्टार्च इन प्लांट स्टोरेज ऑर्गन, विच आर द फॉलोइंग फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च मेक इट यूजफुल फॉर स्टोरेज। ईजिली ट्रांसलोकेशन, नहीं ट्रांसलोकेशन तो सुक्रोज की मदद से होता है ना, तो ये नहीं आएगा। ओके, फिर केमिकली नॉन रिएक्टिव, हाँ। ईजिली डाइजेस्टेड बाई एनिमल्स, देखते हैं आगे। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज तो ये नहीं आएगा, तो फिफ्थ ऑप्शन नहीं आना चाहिए। ओके, ईजिली डाइजेस्टेड बाई एनिमल्स, ये भी गलत है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा टू और फोर्थ। ओके, नॉन रिएक्टिव एंड केमिकली ऑस्मोटिकली इनएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, दोनों के कारण ये स्टोरेज के लिए आसान होता है। ईजिली ट्रांसलोकेटेड होता तो स्टार्च के फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता, बट ट्रांसलोकेट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में। ओके, द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन सीव ट्यूब मेंबर्स इज सपोर्टेड बाय मास फ्लो, हाई मास फ्लो इन्वॉल्विंग अ कैरियर ऑफ एटीपी, मेस फ्लो नहीं मास फ्लो आएगा इसमें, पी प्रोटीन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, रूट प्रेशर ऑन ट्रांसपिरेशन। आउट ऑफ सिलेबस छोड़ दो, क्योंकि पी प्रोटीन्स क्या है हमें पता नहीं। बायडायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल टेक्स प्लेस इन जाइलम, फ्लोएम, केम्बियम, फ्लोएम में होगा। ओके, द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस, मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस इन प्लांट रूट्स सेल एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड, मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन इन प्लांट रूट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, एंडोसाइटोसिस नहीं, ऑस्मोसिस नहीं, पैसिव एक्टिव ट्रांसफर, पैसिव ट्रांसफर की वजह से। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट यूजुअली अकर्स इन टर्म्स ऑफ सुक्रोज, अभी हम लोग ने बोला कि ट्रांसलोकेशन सुक्रोज की मदद से होता है। ओके, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू, लोडिंग ऑफ फ्लोएम, इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम, इन एलोंगेशन ऑफ फ्लोएम सेल, सेपरेशन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्लोएम फाइबर। तो 563 का सबसे बेस्ट है ए, यहाँ पे हमारा हो गया ट्रांसपिरेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का।